Oh. Yesterday, I think I'm making a mistake. Finally, you got it, huh? This Instagram, I'm not a pro here, okay? Next time, you should let your wife, you know, start that button. Arey, Bhagwan, ye Bumrah ke saath bhi aise hi hua tha, yaar. How are you, brother man? I'm very good. How are you, Paji? Well, I can't complain, but it's tough to be home locked down. I'm in Gurgaon. Everybody's struggling a little bit staying at home, but I think all of us, we're trying as much as possible to raise awareness about how important it is right now for us to stay home so Absolutely. That we can enjoy later. Absolutely. So I think hum sab kar rahe hai, wo achha tha yaar. But abhi dekho आगे क्या होता है वो भाई कर क्या रहे हो वैसे आप लॉकडाउन में मूवीज लॉकडाउन में लकीली गुड़गांव घर पे जिम है तो मूवी थिएटर है तो जिम और मूवी थिएटर बेसिकली रोज और स्पेंडिंग टाइम विद माय मॉम एंड माय वाइफ यू आर जस्ट स्टक विद योर वाइफ आई एम स्टक विद माय मॉम एंड माय वाइफ आपको पता ही है वी कांट हैव houses like yours, like you have in Gurgaon. एक एक दो दो बेडरूम का अपार्टमेंट होता है बॉम्बे में हाँ बट यू आर अ रिच फेलो मैन यू हैव सो मेनी अपार्टमेंट्स इन मुंबई यू कैन स्टे इन एनी ऑफ द अपार्टमेंट हाउ डू यू लाइक माय चीक्स वेल सिंस वी आर इंस्टाग्राम लाइव आई कांट शुड बी रियली कमेंटिंग ऑन इट नो इट्स ओके पाजी आपने पोस्ट में जो भी पोस्ट डालता है उसमें तो आप लिखते ही हो तो आपको क्या लगता है कि लोग पढ़ते नहीं है वो सब चीज यार यू आर अ बिजी मैन ओके यू आर बिजी स्कोरिंग हंड्रेड्स बिजी शूटिंग कमर्शियल्स So I need your attention. So that's the only way I get your attention. अच्छा जी. वो देखा तूने ब्रायन लारा का वीडियो देखा तूने? नहीं भाई कौन सा? ब्रायन लारा ने एक वीडियो डाला है तो उसने बोला कि जब फर्स्ट टाइम वो इंडियन वो वेस्ट इंडीज टीम में आया तो वो पहले चला गया ड्रेसिंग रूम में और कहता उसने एक सीट पे जाके अपना किडबैग रख दिया अच्छा तो कहता वो बाहर आया जैसे ही बाकी प्लेयर्स बाहर आए ना तो उसका बैग उड़ता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर आया किड बैग तो विव रिचर्ड की सीट थी ओ तो मैं गौरव कपूर को बोल रहा था मैं गौरव कपूर को बोल रहा था कि मैंने सिर्फ उसको सीट से उठने के लिए बोला लकीली स्टिल केम इन द बस सो आई टैग्ड यू ऑन इट बट मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जब मैं आया था ना टीम में तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया से काफी क्लोज हो गए ऑस्ट्रेलिया टूर से राइट सीबी सीरीज या उसके बाद से एक्चुअली आई एक्चुअली वोंट टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट क्या हमें क्लोज कैसे हुए हां वो बात भाई वी कांट शेयर एवरीथिंग हियर यू नो दैट बट वो जो पहला आई थिंक कितना 6 महीना था ना वो सितंबर फर्स्ट टाइम आपको जून में फर्स्ट टाइम आपको मिला था मतलब मिला तो था ही उसके पहले भी मैं अंडर 17 का कैंप जब मैं कर रहा था तभी भी इंडियन टीम वहां पे प्रैक्टिस कर रही थी उसका फोटो भी मैंने दिखाया आपको मैंने आपके साथ जो फोटो खिंचाया था मैंने तेरा चैलेंजर ट्रॉफी में फर्स्ट टाइम जीते हुए देखा तेरा पॉइंट पे कैच भी छोड़ा था और उसके बाद तूने 60 रन भी बनाए थे मुझे वो भी याद है सो आई रिमेम्बर यू फ्रॉम दैट टाइम बट पहला 6 महीना तो मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ कि सी गाइस व्हेन आई केम इनटू द टीम माय फर्स्ट
My cricket crush was Yuvraj Singh. Okay, but I always wanted to talk to Yuvraj Singh. I always wanted to see how he prepares, what he does and all that. Because जो युवराज सिंह का रोल था टीम में उसी प्रकार कुछ मेरा भी रोल होने वाला था. मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, 5, 6, 7 नंबर जो भी नंबर है, और गेम शायद फिनिश करना उस नंबर पर जाकर. और फील्डिंग भी कुछ वैसे ही था. पॉइंट पे तो पॉइंट जगह तो यार वो तो सील था, बट हाँ मतलब इंस्पिरेशन ले सकता था. तो इसीलिए मुझे बात करना था उनसे और बहुत कुछ सीखना था. बट वी ऑल नो यार, वो इंसिडेंट मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ एक्चुअली अभी. तो वापस नहीं बताऊंगा. कौन सा इंसिडेंट? फर्स्ट टाइम इंसिडेंट था यार पाजी, जो जब मैं फर्स्ट टाइम जब बस में आया था टीम के. हाँ, प्लीज टेल, एवरीबॉडी शुड नो योर साइड ऑफ स्टोरी, देन आई विल से माय साइड ऑफ स्टोरी. सो आई वाज इन द बस अर्ली. आपको भी पता है ये, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंडियन टीम के बस में फर्स्ट टाइम एवर वो मेरा एंट्री था. राइट पाजी, आपका नेटवर्क खराब है यार. आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू. अच्छा, यू कैन हियर मी. आई कैन सी यू ऑल्सो. ओके ओके. तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं कुछ आधे घंटे पहले ही बस में जाके बैठ चुका था, क्योंकि मैं डर रहा था कि लोग यार अगर लेट हो गया तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे ये वो. तो मैं आधा घंटा पहले ही जाके बैठ चुका था वहां पर. पॉज हो गया था वाईफाई कनेक्शन करके. हाँ यार, पर मेरे को शायद नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, मेरे को दूसरी जगह पे जाना. कर ले कर ले, मेरा ही. कुलदीप भी आ गया ऑनलाइन. कुलदीप ऑनलाइन है, ये सब ऑनलाइन है, ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं. ये बंगी लोग को ये काम नहीं है. इसको यूजी को, यूजी ने देखा क्या वीडियो डाला अपनी फैमिली के साथ? मैंने उसको वही बोला, यार अपने बाप को नचा रहा है, तू पागल तो नहीं है साले? फादर को नचा रहा है, मतलब रियली फनी. खुद बदतमीजी कर रहा है वो, ठीक है यार, बट बाप बाप को नचाना इज नॉट गुड. हाँ, तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ड्रेसिंग रूम अपने टीम के बस में, तो गलती से जाकर मैं अपने यूपा के सीट पर बैठ चुका था. और वहां से मैंने देखा ड्रेसिंग अपने लॉबी से यूपा आ रहे थे पूरे चश्मा वश्मा लगा के. तुम यार, मैं ऑलरेडी वहां पर ही थोड़ा सा ये हो चुका था कि यार ओ That's the entry, यार. That's the entry of a superstar. मैं अपने आप से ही बात कर रहा था. तो उसके बाद जब यूपा अंदर आए बस में, तो मतलब स्वैग से उन्होंने मेरा स्वागत किया. उन्होंने पूछा मुझे कि भाई डू यू नो, मतलब ये पता है आपको किसका सीट है? मैंने बोला नहीं पाजी, मुझे नहीं पता. तो आपने इशारा किया कि बॉस ये मेरा सीट है, तो आप कहीं और जाके बैठिए. तो मैंने बोला ठीक है. उसके पहले मुझे एक्चुअली आरपी सिंह बैठा था मेरे पास में, बगल में. उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये सीट पे मत बैठ, खतरा है. उसने बताया नहीं मुझे किसका सीट है यार. उन्होंने यही बताया कि यार ये सीट पे खतरा है, मत बैठ यहाँ पर. बट एनीवे पाजी यार, दैट वाज दैट. It's been a long time since then, and we've had a great relationship after that. Absolutely. हमने काफी कुछ, मैंने तो काफी कुछ सीखा आपसे, और हमने काफी मस्ती भी किए, सब कुछ किया, साथ में खेला कूदा, यहाँ वहाँ गए. जी हाँ, काफी कारनामे किए आपने रोहित शर्मा मेरे. जब आप 20 साल की उम्र से इंडियन टीम में आए हैं और आप मेरे सामने बड़े हुए हैं जी, और 20 साल से लेके 30 साल तक मैंने आपकी हर एक चीज देखी है. और मैंने उस टाइम मैंने भविष्यवाणी की थी कि इन सब जितने भी ये यंग लौंडे हैं से मैच्योर रोहित शर्मा होगा, अगर आपको याद हो तो. लकीली वो बात सही हुई आज, कि वो मैच्योरिटी आज सबसे ज्यादा आप में दिखती है. और आप अपनी क्रिकेट को इस लेवल से, यहाँ से, यहाँ से अलग लेवल पे जा चुके हैं. सो इट्स ग्रेट टू सी.
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुझे आप करके बात कर रहे हो मेरे साथ. अभी मैं इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. अजी ठीक है यार, उसमें क्या है. मैं तो अभी बुमराह से बात कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था टाइम पास. सरदार पोछा मार रहा है घर में, इज लर्निंग सब लोग वही कर रहे हैं भाजी यार. बट ही इज ऑल्सो अ वेरी हम्बल गाय, ही इज ऑल्सो अ वेरी सॉर्टेड गाय. भाजी आपको ये इस टीम के बारे में क्या लगता है, मतलब जब जब आप लोग खेल रहे थे और ये अभी ये टीम खेल रही है, दोनों टीम के बीच में क्या फर्क लग रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है. टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ. बिल्कुल बोलिए बिल्कुल. बट आई मतलब बी वेरी हम एज ए टीम हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या अच्छा चीज हमने किया है, क्या खराब कर रहे हैं. तो आप जब बाहर से आप अगर हमको देखते हो खेलते हुए अभी, तो आपको क्या फील होता है. सी आई टेल यू द डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट इन दिस जनरेशन एंड लास्ट जनरेशन. आई हाँ फेल्ट के जब तुम लोग भी टीम में आया, या तुम्हारी जनरेशन से पहले मैं जब टीम में आया, तुम्हारे हाँ सीनियर्स वर वेरी डिसिप्लिन्ड. और हाँ ऑब्वियसली उस टाइम पर सोशल बिल्कुल मीडिया नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी. बिल्कुल सो देयर वाज अ सर्टेन बिहेवियर दैट वी बॉयज हैड टू कैरी वॉचिंग आवर सीनियर्स, हाउ दे प्ले, हाउ दे वर्क हार्ड, एंड हाउ दे एक्चुअली टॉक टू पीपल, हाउ दे टॉक टू मीडिया, करेक्ट बिकॉज दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया. सो लर्नड अ एब्सोल्युटली लॉट दैट वे. And that is what we try to do, and that is what we told you guys that you know there's, if you have to play for the next 10 years, there's certain, after playing for India, you have to be more careful about your image. But I feel के ये जो तीसरी जनरेशन है ना, इसमें आई फील सीनियर सिर्फ यू एंड विराट कोहली आर देयर मोस्टली, हु आर प्लेइंग थ्री फॉर्मेट्स. The हाँ rest of the guys are coming in, going ये वो. So I just feel since social media has come, I just feel that there are very less guys to look up to. हाँ And I feel that the sense of respect towards seniors to say something, or that respect of, you know, how these players have become great. This become a thin line now. कि हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं अब. समझ गया समझ गया. तो आई थिंक जूनियर्स अब, यू नो, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द पार्टी सीन, लाइक यू नो इंसिडेंट दैट हैपेंड विद केएल हार्दिक, ये चीजें हमारे टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पर होंगी, बिकॉज हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल सही हमें पता बात था कि हम आज गलती करेंगे तो हमारा सीनियर में बोलेगा यार यार ऐसे मत करो, दिस इज नॉट नाइस. सो आई फेल्ट है. हाँ तो के ये डिफरेंस आप बता रहे हो कि अभी नहीं है वैसा, अभी कम है. आईपीएल माहौल वैसा नहीं है. आईपीएल के लड़के दे डू व्हाट दे वांट टू, यू नो, थोड़े सक्सेस के बाद अब क्या हो गया है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट आल्सो, बिकॉज एट यंग एज यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो बिग, करेक्ट 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 स्टार्टिंग यार. ऑफ द करियर, दे नॉट इवन प्लेइंग फॉर इंडिया, दे गेटिंग सच बिग कॉन्ट्रैक्ट, सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द मनी, सो हाँ दे यार इजिली डिस्ट्रैक्टेड. सो यू नीड सीनियर्स, यू नीड कोचेस, यू नीड you guys have to talk to the youngsters and explain to them what is more important, playing for your country and, you know, working hard on the field, and then all these things follow. Because Tendulkar always told me that performance, if you perform on the field, everything will follow. बिल्कुल So I ये think तो the बॉटम और लाइन बिल्कुल. मैं क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था, वहां पर मैं देख रहा था लड़के, दे डोंट वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, अपनी स्टेट के लिए 4 डे नहीं खेलना चाहते हैं, दे हैप्पी प्लेइंग वन डे क्रिकेट बिकॉज ऑफ आईपीएल. सो गाइज, दे एक्सेप्ट यू गाइज, आई डोंट थिंक द सेकेंड जनरेशन रियली वॉन्ट्स टू प्ले टेस्ट, एंड टेस्ट क्रिकेट इज द रियल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर. सो आई वर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन टू टेल देम दीज थिंग्स. आई फील, नो एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक व्हाट डू यू थिंक? हमारा भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं भी जब टीम में जब आया था तो आप लोग थे सब, और यहाँ राइट साइड में देखो तो चार पांच सीनियर प्लेयर, लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे भी सीनियर प्लेयर. मेरे साथ खेला हुआ सिर्फ मेरे साथ खेले हुए लड़के एक या दो ही थे उस टाइम पे. पीयूष था एक और सुरेश सुरेश था, और बस बाकी सब सीनियर्स थे. अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सा माहौल एकदम थोड़ा सा लाइट है. बट आई थिंक ये चीज हम कर सकते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके
लोगों से बात करूं, जैसे मैं पंत ऋषभ से ज्यादा बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि कैसे हैंडल करना है क्या करना है. अभी उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया था लेटली, अभी वो 20-21 साल का है, उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया, वो परेशान हो गया. मीडिया को हमारे लगता है कि ये, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब टू राइट एनीथिंग, बट इफ दे राइट सेंसिबली, दे राइट बिफोर यू नो राइटिंग एनीथिंग, दे शुड थिंक व्हाट दे आर राइटिंग. तो आई थिंक इट विल प्ले अ ह्यूज पार्ट. बट एब्सोल्युटली आई थिंक वही एब्सोल्युटली ऋषभ हो गया अभी, और भी 5-6 लोग हैं, उनसे रेगुलर मैं बात करता हूँ ये सब चीज के बारे में कि आई मीन दिस विल बी देयर एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. क्रिटिसिज्म रहेगा, लोगों का नजर होगा, ये सब होगा. तो आई थिंक क्रिटिसिज्म भी, और आई जस्ट वांट टू पुट पॉइंट दैट ये जो लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, इनकी भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो हैव फेथ इन द यंग प्लेयर्स. लाइक एक मैच खराब होता है, ये लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट हाँ क्रिटिसाइजिंग. ये बात है. सो आई अरे थिंक आवर भाई जो पब्लिक आल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स आवर क्रिकेटर्स और एक्टर्स और मिनिस्टर्स के. यार एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, एक भी गलती होती है सब लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं. सो लोगों की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मीडिया की है, आई फील. हाँ बिल्कुल, ये हमारी जनता थोड़ी सी, दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे शुड बी मोर पेशेंट विथ एवरीथिंग इन लाइफ, नॉट नॉट इन योर होम बट इवन व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग बी पेशेंट. और ये जो जब इंडिया की टीम खेलती है, अगर एक एक बंदा खराब करता है, एक बंदा अच्छा करता है, तो ये नहीं, ये शुरू मत कर दो तुरंत सोशल मीडिया पकड़ गए कि इसको पकड़ लिया, उसको उड़ा दिया, ये कर दिया खराब चीज में. पॉजिटिविटी फैलाओ यार, हमारे हमारे को पॉजिटिविटी की जरूरत है बहुत. अभी आने वाले कुछ समय में तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरत है. तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, उसको एक यू नो हथियार की तरह यूज करो अच्छे चीज के लिए. नहीं, और बिग एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान गेम. यू नो एवरीबडी गेट्स पर्सनल अबाउट द कंट्री, बट द पॉइंट इज यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स. हाँ 100% एवरीबडी इज गिविंग 100% ऑन द फील्ड, टू विन द लाइक ऑल गेम. द प्लेयर्स. ओनली वन टीम इज गोइंग टू विन. समटाइम्स द ऑपोजिशन गोना विन, समटाइम्स यू गोना विन. 101%. ऑब्वियसली यू नो इंडियन टीम हैज वन मोस्ट ऑफ द चैंपियनशिप बिकॉज we have handled pressure in a bad situation, whatever the reason is. Or Pakistan in the earlier decade was a much better team who did the same thing. So I just feel that Yeah. our people of a country from both sides should be more, you know, a little have more patience towards their players, I feel. बिल्कुल, आई थिंक हाँ ये बात जरूरी है. और ये बात हम भी जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये बात हम लोगों के सामने लाके रखे कि जितना हो सके अच्छे चीजों के बारे में बात करो. हमें भी पता है कि यार आप चाहते हो कि टीम जीते, बट हमें पता है हम पूरी कोशिश करते हैं वो जीतने की, बट यार सामने भी टीम खेल रही है, वो भी जीतने की कोशिश करेगी. कभी कभी हार होगा, कभी जीत होगा, तो वो तो चलता रहता है. बट यू शुडन्ट थिंक कि ये खराब खेल रहा है यार, ये फॉर्म में नहीं है, इसको भगाओ, ये करो वो करो, वो सब नहीं होना चाहिए. जस्ट लेट यू नो द अथॉरिटीज डू देयर जॉब इन टर्म्स ऑफ दैट एंड यू गाइस जस्ट एंजॉय द क्रिकेट. यार क्या है उसमें, क्या है, हारे हारे तो, बट हमारी टीम जीत भी उतनी रही है, उससे ज्यादा जीत रही है एक्चुअली. बट नहीं, एब्सोल्युटली. आई मीन स्पीकिंग पाजी, आपका पर्सनल जो करियर रहा है इतना, यू नो द टू मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ योर करियर, विच इन माई आईज इज द टू वर्ल्ड कप. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड कप, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन, 2007 T20 वर्ल्ड कप, एंड आई नो वॉट काइंड ऑफ फॉर्म यू आर इन. वो फॉर्म जो आपका था, मतलब वो माइंडसेट जो आपका था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था हमको अंदर से देख के कि आप कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन, कोई भी टीम हो, उसको आप उड़ा दोगे. वैसा हमको अंदर से फील आता था कि जब भी आप बैटिंग को जाते थे, क्योंकि जो भी आपने छक्के मारे, जितने भी रन बनाए उस टूर्नामेंट में, वो हमारे को देख के बाहर से वैसा लग रहा था. उसके पहले भी जब आयरलैंड से हमारा सीरीज था, जो मेरा फर्स्ट सीरीज था, उसमें आप मैन ऑफ द सीरीज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहां से मैंने देखा, वहां से लेके T20
T20 वर्ल्ड कप था, इनफैक्ट उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे इंडिया में, आपने फर्स्ट मैच में ही 130 कुछ बनाया था हैदराबाद में, सेकंड सेकंड वो हारे थे हम, लेकिन है ना, पर वो माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट एक्चुअली कुछ समय तक मेरे पास भी वैसा फॉर्म था अभी वर्ल्ड कप को लेकर और उसके पहले भी, तो वो फॉर्म, वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट के बारे में मैं बात करता हूँ, ये ऋषभ हो गया या मनीष पांडे, ये लोग, ये तीन चार लोग हैं, उनसे मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ कि वो माइंडसेट लाना बहुत जरूरी है, कि अंदर से तुम्हें, तुमको लगना चाहिए कि भाई ये मेरा दिन है और मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे खेल सकता हूँ और अपने आप को बैक करूंगा। आई एम श्योर आप भी उस टाइम पे वैसे ही सोच रहे होंगे। डेफिनेटली आई जस्ट फील के ये जो माइंडसेट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आई डोंट नो, ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट पर्सन टू, व्हेन यू टॉक अबाउट हिटिंग हिटिंग बिग हिट्स, प्रोबब्ली यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट एट द मोमेंट, बट आई फील कि उस जोन में आने के लिए, उस जोन में आने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन गेम्स. Yes. Like I felt के like you need to have that experience. Like अभी क्या होता है कि हम ये ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ और के और केएल तो चलो काफी देर से खेल चुका है, और प्रॉब्ली अभी शुभमन गिल आएगा अगर टीम में या कोई भी आएगा, हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे ये आते ही तुम्हारी अयर है ये, तुम्हारी तरह या तो वो नहीं होगा. बिकॉज have learned early, but I feel ke it has to be over the time where they play a certain amount of games, then they fail, they go and play domestic cricket, they come back and they play a number of games, and with that experience, when they have a few knocks, few knocks like that, they get into that zone where they know ke ab badi inning kaise banani hai. Like you and Virat probably know how to make, how to convert 60s into 100s. Like initially I feel with lot of younger guys wo nahi hoga because wo experience nahi hai abhi, so I feel ke whenever they are not playing international cricket they should be playing domestic cricket or they should be playing any form of cricket where they keep on getting more experience and experience of playing a lot of games and getting into different kind of situations on different wickets. Ah, bilkul. Because I, so, because with you, for example, when you were playing in middle order, you had some exceptional innings of 70s, 80, 90 not out, 65 not out. So, wo kehte hain wow, Rohit bada acha khela, acha khela. But a wohi game tune open karke, it's like 200 not out and 260 and 200 and 150. So, you have taken your game to the next level. So, that has happened after you 7-8 years of playing international cricket. हाँ बिल्कुल, तो मैं इसीलिए वो जो 7-8 years and I don't want these guys to lose that 7-8 years, which is why I keep talking to them and make them understand कि बॉस अगर अभी तुम टीम में आए हो एक साल पहले तो ये सब चीज समझने की कोशिश अभी करो, ये सब चीज अगर अभी से सीखोगे कि हाँ मुझे पता है एक्सपीरियंस से मिलता है, बट ट्राई एंड मेक श्योर दैट एवरी इनिंग यू प्ले शुड बी योर लास्ट इनिंग ऑफ योर करियर, आई थिंक लाइक दैट. एग्जैक्टली, हाँ डेफिनेटली, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की जरूरत है, वो आई थिंक धीरे धीरे मेरे हिसाब से आ जाएगा. और इस क्या कह रहा है? नहीं भाजी, वो मैं आपके मतलब पूछने वाला था कि घर में सब ठीक है? हेजल, यस, लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस. एवरीबॉडी इज गुड एट होम, व्हाट अबाउट यू? एवरीबॉडी इज गुड एट होम टू. हाउ इज समायरा? समायरा इज गुड, शी इज प्लेइंग इन अनदर रूम देयर, उस तरफ है, वो खेल रही है अभी. अभी खाना खा के थोड़ी देर में सो जाएगी. नहीं, आई थिंक कोरोना वायरस के टाइम पर आई फील के यू नो, जो मैं दिल्ली में लेके जो फील आ रही है, थोड़े लोग ना हल्के हो रहे हैं अभी, थोड़ा सा थोड़ी पेशेंस जा रही है, दैट बिकॉज जो लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं या जिनके छोटे घर हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल है. तो आई जस्ट फील के इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू और मी टेल देम, गिव देम अ मैसेज कि यार इट्स अ मैटर ऑफ वन वीक, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर वन वीक, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि यही है कि वी आई मीन इफ
It's very simple. If we want to go and live our life and we want everything to be back as it was before, we have to be disciplined in this next whatever days our government is asking us to be. And now it's 14th April and uske baad bhi jo bhi decision hoga, I think we just have to be disciplined and, you know, obey the guidance from the government, as simple as that. Uske baad hi hum normal tarike se jee payenge, otherwise ghar mein hi baithna padega. Ye logon ko samajhna zaruri hai. I think us din hum jab baat kar rahe the live conference pe, Ajay Thakur ne acha point bataya tha ki kuch kuch jagahon par फोन और टीवी और वो सब नहीं है, तो वहां पर लोग बाहर जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक इश्यू सॉल्व हो जाए तो आई थिंक बढ़िया रहेगा. आई थिंक धीरे धीरे इस बात की लोग पीपल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल आर सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर, और यू नो देयर उनको ये आइडिया होना चाहिए कि यार मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लाइक you know, drink a lot of hot water, have vitamin C every day, और खाने में वो चीजें होनी चाहिए जिससे immune system better हो. तो I think लोगों को rather than others अपने आप पे focus करना चाहिए, क्योंकि it's like voting कि आज को अगर आज मैंने एक वोट नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, पर अगर 5 लाख लोग ऐसे सोचेंगे तो 5 लाख वोट गए. So I feel individually हमको खुद को we should take care of ourselves in social distancing and taking care of our bodies. And it should, the message will spread. Patience. Yeah. What is Mr. Nehra doing? Ashish Nehra, did you speak to him? Mr. Nehra is struggling to stay at home. Every third, fourth day, he's running in his vicinity and coming back. According to me, I think he will be the one who will be hating this lockdown the most. He is, but he's lucky that वो एक गोवा में एक society में है जहाँ पर वो घर के बाहर वॉक कर सकता है, जहां उसकी सोसाइटी में लोग नहीं रहते और वहां पर इट्स मोस्टली एम्प्टी बिकॉज रेंटेड एरियाज है. आई थिंक इज लकी के वो ऐसी जगह पे रह रहा है. बॉम्बे में यार बॉम्बे मुश्किल है. ब्रदर मैन, आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू. ओह यस, ऑफ कोर्स. आई वांट टू सी हाउ गुड इज योर मेमोरी. हाउ गुड इज योर मेमोरी? ओह अच्छा. आर यू रेडी? I have 10 questions for you, and for every answer you have 10 seconds. Achha, theek hai. Ready? Yes. On what date did you play your last test match? 2019. Date and month. October, Bangladesh ke saath yaar. October. Abhi paji yaar date yaad nahi hai mere ko. 10, 9. 8, 7. अजी पिंक टेस्ट मैच ही था लास्ट. 9th था मेरे ख्याल से. 9th अक्टूबर. 6, 5, 4. अजी यार. 2, 1. अक्टूबर तो नहीं है. 22nd नवंबर. 22nd नवंबर. वर्स्ट यार. शी. क्या? चलो. आंसर कर दिया तूने. 32 बोला ना मैंने. 30 वो तो ना अपनी उम्र बोली है. टेस्ट मैचेस पूछ रहा हूँ मैं. ओ यार 34 है ना. 34 या 35 यार पाजी. तो बोलो पहले 32 ही बोला मैंने यार. You say, I asked you, did you say age? And you were like, you started thinking. No, Paji, you can't say like that. You can't confuse like that. I said 32, then you said. I asked age. Age.
ट्विस्ट ये तो क्वेश्चन. चलो इसके मार्क्स बाद में देते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाँ हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स हैव यू टेकन? क्या है यार भाई नंबर्स यार इट्स वेरी बैड बट आई थिंक आई ओनली हैव वन टेस्ट विकेट वन. टेन नाइन भाई आपको बोलना चाहिए सही है या गलत यार. गलत है तभी तो ये काउंटर दे रहा हूँ. सही होता तो सही बोल देता ना. दो है दो दो. यस मैन. ओके क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी ओडीआई विकेट्स डू यू हैव? एट. ओह राइट आंसर, यू गॉट थ्री. भाई यार ये नंबर्स वंबर का क्यों कर रहे हो आप, कुछ अच्छा करना चाहिए था यार. अरे बैटिंग का पूछोगे तो पढ़ से बता देगा ना तू. नहीं बैटिंग के क्या, अभी एग्जैक्ट अभी आप मेरे को पूछो एग्जैक्ट रन कितने हुए तेरे टोटल, मुझे नहीं पता यार. तो ये तो फिर पता होना चाहिए ना अपने बारे में. भाई आप बताओ पूछ ले. अच्छा रुक जा, पहले मुझे खत्म करने दे. पहले मुझे खत्म करने दे. व्हाई आर यू लाफिंग? यू हैव थ्री पेट नेम्स. People know you by three pet names. What are those three pet names? I have three pet names. One is Ro Hitman Shana. Hey, nice man. Shana वो किसने दिया वो भी बता दो यार. तो छह में से चार ज़हीर खान ने नाम दिया तेरे को Shana. तेरा छठा क्वेश्चन है, What is your height in centimeters? 175. 10. 178, 8, 7, 6, 5, 1, 4, 82, 3. ये पब्लिक से पूछ लो. रोहित शर्मा की हाइट कितनी सेंटीमीटर में बताओ. रजेश तू बता. कौन किसको पूछा आपने? रजेश को. ये बस लो हंसने को है. ये हिटमैन हिटमैन करे जा रहे हैं. 5, 4, 3, 2. गूगल ना कर. अरे गूगल नहीं कर रहा पाजी. योर हाइट इज 173 सेंटीमीटर्स. नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. किसने दिया आपको भाई इसका आंसर? ये मैंने विकिपीडिया से लिया. नहीं पाजी गलत है, इट्स रॉन्ग. चलो तुझे कौन सा पता था? विकिपीडिया का भी ऑफिस बंद होगा पाजी अभी 2-3 महीने से. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 September 2015, you joined an anti-poaching campaign for rhinos. Yeah. Who were the two other international actors who joined that campaign too? Salma Hayek and Matt LeBlanc. Oh, brother man. Good answer. How many IPL runs have you scored? Aray, Paji, numbers extra. Yaar. I know it's somewhere... 4,800 something. 4873 और ऐसे कुछ तो है भाजी यार. मतलब इसके नंबर ये इसका इसका तुझे मुझे पॉइंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बता मुझे. मैंने दो मुझे पता है 4800 something है. 4800 is there but that other there are two more digits to it. What? There are two more digits to it. 4,800. तो 4,898. अच्छा अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन इज हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोर एंड अगेंस्ट हु? Highest domestic score, first class या list A? वो भी तो बताओ यार ऐसे कैसे? First class, list A नहीं. 309. Against? गुजरात. Good answer brother man. अच्छा, you got engaged on what date? रितिका सुन रही है? क्या क्या क्या? We got रितिका, what? रितिका, I hope रितिका, on what date did you get engaged? 2nd June. सेकेंड जून को हमारा एंगेजमेंट ऑफिशियल एंगेजमेंट था और 29th को मैंने उसको प्रपोज किया था. अच्छा तो अप्रैल में नहीं की थी एंगेजमेंट क्या?
नहीं पाजी गलत है वो, जो भी अच्छा गलत ये आ गलत, रहा है यार ये इसमें, ये विकिपीडिया में बोल रहा हूँ आपको, ऑफिस बंदे उनका उनको इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं आ रहा है उनके चलो पास यू तो। गॉट 5 out of 10 नॉट बैड। अरे यार पाजी, बट दिस नंबर्स गेम यार, एक नंबर पूछा है तेरे को मैंने और तेरी हाइट के बारे में पूछा मैंने। हाँ हाइट गलत है, 178 सेंटीमीटर है एक्चुअली, इफ आई इफ इफ यू डू इट नाउ, और थोड़ा सा जब बाल बढ़ेगा तो 179 तक जाता है। यार फनी मैन। चलिए यार पाजी, मैंने अभी आपके लिए बनाया नहीं यार ये यार, बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज जानना है बस, व्हाट डेट डिड यू मीट हेजल, बस। What did I met her? नहीं 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 नहीं, यू कांट डू दैट, यू कांट आस्क बता हर रहा यार। हूँ, हाँ बता रहा हूँ हाँ मैं। I met her on 28th December 2011 यार इतना गलत है यार, 2011 2011। दैट आई हैव टू चेक विद हेजल, प्लीज चेक विद हर, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ओह वेरी गुड पाजी, बट यार शिट यार, मुझे नहीं पता था आप मेरे को सवाल जवाब करने वाले हो, नहीं तो मैं भी कर मैंने लेता तेरे को यार। बोला था आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। बट आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस, तो मुझे लगा ऐसे आपस में ही वो आपके लिए भी बना था तो अच्छा खासा है यार। ओके अभी एक हफ्ता है, वी कैन टॉक अगेन, नो प्रॉब्लम। ज्यादा है मेरे ख्याल से तो, चलो एनीवे, बट आई वाज गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। कौन सा एंड मूवी देख रहे हो मैं पाजी अभी? मनी हाइस्ट देख रहा हूं। ओए यार मेरे को भी ना फोर सीजन फोर देखना है, बट मेरी बीवी ने अभी तक देखा नहीं, तो हम लोग सीजन वन से देख रहे हैं अभी। आई इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। नो, वॉच ओजार्क, वेरी गुड। ओजार्क है लिस्ट में है मेरे अभी, वो सब पाजी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। जो भी कुछ भी देखना मुझे बोल दे, मैंने सब कुछ देख लिया है। बज्जू बा ठीक है, बज्जू बा आपसे भी बात करूंगा इंस्टाग्राम लाइव पे। यू विल हैव अ नेक्स्ट, लाफ। हाँ बज्जू बा को पकड़ूंगा अभी नेक्स्ट। बज्जू बा को जो पहला सवाल तो यही पूछने वाला हूँ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, खत्म। बज्जू भाई ने चेन्नई बोलना है, बज्जू भाई और कुछ बोल नहीं सकते। बज्जू भाई चेन्नई बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, फंस जाएंगे चेन्नई मुंबई के बीच में। मैं अपने मुंबई इंडियंस के ओनर्स को भी लाइव रखूंगा साइड में। वो बोल देगा दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है। नहीं, उनको बोलूंगा एक ही चॉइस है बच्चू आपके पास, बस एक ही चॉइस है। चलो पाजी फिर मुलाकात करते, सी यू सून ब्रदर मैन, सी यू सून, टेक केयर, टेक केयर, से हाय टू द फैमिली, बाय ऋतिका मार्लो। आइसक्रीम बार। ओ बाय ऋतिका। सी यू सून पाजी, सी यू, टेक बाय केयर, बाय बाय। बाय।